सो हे गाइस, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि मेरे इंस्टाग्राम आउट्रो के ऊपर एक मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ कि उसे हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे तो वो आउट्रो मैंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स पीसी पर क्रिएट करा था, तो उसे एंड्रॉइड पर क्रिएट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल सेम है वैसा ही हम क्रिएट कर सकें अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। तो ये ट्यूटोरियल आज उसी पर बेस्ड होने वाला है। पर ट्यूटोरियल की ओर बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर व्यूज़ आती हैं 250। अब 250 में 50 लोग तो लाइक कर देते हैं, पर बाकी जो 100-200 लोग बचते हैं वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ा तो रिस्पॉन्स करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं और भी वीडियोज क्रिएट कर सकूँ उनके सजेशन में से पिक करके। तो हो सके तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर किया करिए। सो डिस्क्रिप्शन से आपको एक जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है जिसमें मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी है अपने इंस्टाग्राम आउटरो की विदाउट नो नेम, सिर्फ मेरी DP है उसमें, और बाकी उस पर हमें वर्क कैसे करना है उसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने काइन मास्टर को। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद में चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की ओर। तो हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद में हमें यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। उसका मीडिया पे जाके हमें वो वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अब इसके बाद में सिंपली हमें इसे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में इसकी अगर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा लोगो अराउंड 1.5 सेकंड के आसपास से हमारा ये लोगो स्केल अप हो रहा है। उसको हमें 2.5 सेकंड के आसपास स्केल अप कंप्लीट कर रहा है अपनी। तो हमें क्या करना है, 1.5 सेकंड से अराउंड यहाँ से लेयर हमें एक इंपोर्ट कर लेनी है अपने लोगो की, और आपको ध्यान रखना है हमारा लोगो सर्कल फॉर्म में हो और एज अ PNG हो। तो ये कुछ सर्कल फॉर्म में हो हमारा लोगो, तो इसे आप कन्वर्ट कर लेना फोटोशॉप CC से या किसी और भी एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। जैसे सर्कल फॉर्म में अपने लोगो कन्वर्ट कर लेना, उसको हमें एज अ PNG इसमें इंपोर्ट कर लेना है। उसका हमें 1.5 सेकंड के आसपास हमें क्या करना है, इसे प्लेस कर देना है, और हमें जाना है 2.5 सेकंड पे, और अराउंड 2.5 सेकंड पे, और हमें क्या करना है, इसे अपने इस जो कि मेरा लोगो स्केल अप हुआ है उसके ऊपर प्लेस कर देना है। उसका हमें इस की पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है, उसे हमें टिक मार्क कर देना है, और उसको हमें बैक आना है हमें, और अराउंड 1.5 सेकंड के आसपास उसकी फिर से उसे की पर क्लिक करना है, और हमें इसकी स्केल डाउन करके एकदम ही कम कर देनी है अराउंड इतनी। उसके बाद में अगर अब हम देखें तो हमारा कुछ ये कुछ ऐसा एनिमेशन कर रहा है कुछ ऐसे। तो अभी हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा वाइट एरिया बच रहा है अभी, ये देखिए वाइट एरिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से उसी मतलब की पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ये थोड़ा सा काम यहाँ पर टाइम टेकिंग होगा कि हमें कई सारी कीज क्रिएट करनी होगी ताकि परफेक्टली मैच कर जाए। अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने लोगों को स्केल अप कर देना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, फिर से देखिए वाइट एरिया आ गया, फिर से यहाँ पर भी स्केल अप कर देना है, फिर से आगे बढ़ना है और थोड़ा सा और स्केल अप कर देना है, उसको हमें फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और अभी सही है। तो अभी देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा कर रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है, अभी सही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर गया ये लोगो। तो हम क्या करेंगे, अपनी हमारी जो ये की थी यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में अपने लोगो क्या करेंगे, की पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से इसे हम लेफ्ट साइड ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे लोगो सही से अपनी पोजीशन पर ना पहुंच जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और हमें ध्यान रखना है हमारे ये की पर क्लिक हो ताकि हमारी की फ्रेम्स क्रिएट होती जाएं। फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से हम मूव कर देंगे कुछ ऐसे, और बिल्कुल परफेक्टली सर्कल के सेंटर में ही रखना है हमें अपने इस लोगो को, और उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और फिर से इसे हम लेफ्ट साइड मूव कर देंगे कुछ ऐसे, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से हमें इसे लेफ्ट साइड मूव कर देना है कुछ ऐसे, फिर से थोड़ा सा और फिर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड। तो मैं इसे तब तक मैं इसे करता रहूँगा जब तक ये अपने पूरी पोजीशन में नहीं आ जाता। तो अभी आ चुका है और ये कुछ ऐसा एनिमेशन कर रहा है आप देख सकते हो। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट साइड थोड़ा सा लोगो चला गया है और पर हमारा वाइट एरिया थोड़ा सा बच गया। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से यहाँ से राइट साइड मूव कर देंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी वाइट एरिया बच रहा है, तो इसे हम फिर से राइट साइड मूव कर देंगे और अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अभी थोड़ा सा और, अभी मुझे सही लग रहा है। तो इसे हम प्ले करके देख लेते हैं ये कैसा एनिमेशन कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है हमारा एनिमेशन। तो हम क्या करेंगे, अभी जहाँ पर भी ये हमारा वाइट एरिया दिख रहा है अराउंड हमारे लोगों के साथ ये नहीं मूव कर रहा है, वहाँ वहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस लोगों को प्लेस करके सेंटर में करते जाएंगे। लाइक यहाँ पर हमारा देख सकते हैं
ये कुछ हमारा लोगो जल्दी लेफ्ट साइड हो गया, और हमें राइट साइड थोड़ा सा यहाँ पर भी कर देना है और थोड़ा सा आगे बढ़ना है अराउंड यहाँ पर। देखिए कुछ ज़्यादा ही हमारा लेफ्ट राइट साइड लोगो है, तो इसे हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पेस कर देंगे कुछ ऐसे। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा और आगे जाना है। और अभी सही लग रहा है मुझे, अभी प्ले करके देख लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन कर रहा है और अभी ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद में फिर से प्ले करके देख लेता हूँ मैं एक बार, तो भी सही है। तो अभी ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया, और जहाँ से हमारा ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं अराउंड, ये हमारी नंबर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट अराउंड 3.8 सेकंड पे हमें क्या करना है, एक लेयर ऐड करनी है टेक्स्ट वाली। तो हमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 69, लाइक 69, और इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी शैडो को डिसेबल कर देंगे, और उसके बाद में जाएंगे फ़ॉन्ट पे। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोन डाउनलोड करा है मॉन्टसेराट, तो मैं मॉन्टसेराट बोल्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एसेट स्टोर से। उसके बाद मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँगा, यहाँ से ब्लैक कलर मैं चूज़ कर लूँगा, टिक मार्क कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके कुछ ऐसे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, साइज़ थोड़ा सा कम कर दूँगा, और इसे मैं यहाँ पर ऐसे टिक मार्क कर दूँगा। उसके बाद मैं इसका इन एनिमेशन में कर दूँगा पॉप ड्रॉप स्केल अप, तो स्केल अप कर देता हूँ मैं उसको, मैं 0.5 सेकंड इसकी मैं एनिमेशन कर दूंगा, ये कुछ ऐसे एनिमेट करेगा, अभी सही है। फिर से मैं थोड़ा सा पोजीशन इसकी क्या करता हूँ, कुछ अपने फॉलो के लेफ्ट साइड देख लेता हूँ कि फॉलो के सेंटर में ही हो। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और टेक्स्ट लूँगा और इसके टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे जाके और उसी लेयर पे जाके लेयर पे और एक और टेक्स्ट ऐड कर लूँगा, और मैं इसमें लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ बी क्रिएटिव, और उसका मैं कॉमा और लिख देता हूँ बी स्मार्ट में लिख देता हूँ। और उसके बाद में इसका मैं फ़ॉन्ट क्या करूँगा, फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँगा सैंस सीरीज से मॉन्टसेराट रेगुलर यूज़ कर लूँगा। उसके बाद में इसका शैडो में डिसेबल कर दूँगा, और इसका कलर मैं रख देता हूँ स्काई ब्लू, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू में रख देता हूँ, और इसे मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ये सही लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे ट्रांसफॉर्म करके और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 69 के मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ मिडिल में, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अराउंड इतना कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे लेफ्ट साइड थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कुछ ऐसे, और मेरा ये 69 थोड़ा सा मुझे क्या कर लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसका स्केल अप कर देता हूँ, और अभी सही है, ये कुछ ऐसा एनिमेशन कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बी क्रिएटिव बी स्मार्ट का जो इन एनिमेशन होगा मैं इसे कर देता हूँ वाइप राइट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और इससे मैं 0.5 सेकंड इसकी टाइमिंग रख देता हूँ, और अभी देखते हैं ये कुछ ऐसा एनिमेट कर रहा है। मैं बी क्रिएटिव इसको थोड़ा सा राइट साइड कर देता हूँ ताकि 69 मेरा जब आ जाए उसके बाद ये टिक्स हो, अभी सही है। वैसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड और मूव कर देता हूँ अपनी 69 के एकदम बिल्कुल नीचे उसके, अभी देखते हैं ये कुछ ऐसा हमारा क्रिएट हुआ है। ये इंस्टाग्राम आउट हो तो अभी प्ले करके देख लेते हैं पूरा, ये कुछ ऐसा एनिमेट कर रहा है। सो अभी आप देख सकते हो कि लास्ट में ये जो मेरा है ये कुछ हमारा जो मतलब कि ये जो लोगो था मैंने मतलब गलती कर दी कि ये मेरा पूरा लास्ट तक नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं नहीं रिसाइज करूँगा, अगर रिसाइज करूँगा तो मेरे की फ्रेम्स इधर उधर हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर नहीं टच करना है, मैं लेयर पर जाऊँगा और अपने लोगों की एक और PNG ऐड कर लूँगा, उसको मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके और वहीं पर प्लेस कर दूँगा अपने इस लोगों के ऊपर कुछ ऐसे, और बिल्कुल मिडल में मैं इसे प्लेस कर दूँगा और टिक मार्क कर दूँगा, तो अभी सही है। उसके बाद में अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, वीडियो पे जाएंगे, वीडियो फेड आउट कर देंगे, और इसे मैं अराउंड 1 सेकंड कर देता हूँ वीडियो फेड आउट, और अभी देखते हैं ये कुछ लास्ट में ऐसा एनिमेट करेगा। अभी देख लेते हैं प्ले करके एक बार और, तो ये कुछ हमारा ऐसा क्रिएट हुआ है, और उसका नाम 69 और बी क्रिएटिव। सो इस मेथड का यूज़ करके आप मेरे जैसा आउटरो क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम का, और ये बिल्कुल सेम एज मेरे जैसा क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपने PC पर क्रिएट करा है, और काइन मास्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है कि की फ्रेम्स और वो सारी चीज़, पर मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल मैं क्रिएट करूँ। बाकी आगे हो सकता है मैं अपडेट लाऊँ इस अपने इस आउटरो पे या इंस्टाग्राम कोई भी क्रोमो पे या आउटरो पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी से आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।